नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको शुगर डायबिटीज के बारे में कुछ विशेष योगासन और प्राणायाम बता रहा हूँ। देखिए, हर एक आदमी आज आपको ये पता है कि लाइफस्टाइल जो है आजकल ऐसे हो गया है कि शुगर से पीड़ित है, यानी ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है वो 150 से जब ज़्यादा आ जाता है, 150 मिलीग्राम से जब ज़्यादा आ जाता है तो अपन उसको कहते हैं डायबिटीज, शुगर। लेकिन शुगर क्या होता है, एक तो ब्लड में भी आता है और एक यूरिन में भी आता है, तब कंफर्मेशन ये होता है कि वो डायबिटिक होता है। अब ये क्यों होता है आपको मैं बताऊँ, क्योंकि ये हमारे बॉडी में पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल की कमी के कारण ये जो इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज में भी दोस्तों दो टाइप की डायबिटीज होती है। डायबिटीज में डायबिटीज 1 होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, ठीक है। अब टाइप 1 जैसे कहीं जेनेटिकली भी होती है, और टाइप 2 क्या होती है, जो ओबेज पर्सन है या लाइफ स्टाइल आपका खराब है उसके कारण होती है। तो मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो शुगर है लोगों के बहुत ज़्यादा हो गई है, और धीरे धीरे जैसे ना लाइफस्टाइल ऐसे होता गया है लोगों का कि लेजीनेस हो गया है, मतलब लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो मैं आपको कुछ योगासन प्राणायाम बता रहा हूँ और साथ में आपको डाइट भी बता रहा हूँ। डाइट में तो आपको क्या करना है, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट है वो थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जैसे चावल, आलू, ये आप थोड़ा सा इनको मैं कहूँगी अवॉइड ही कर दे, बंद ही कर दे, इसकी जगह दूसरी चीज़ खा लीजिए आप। रोटी है, चपाती है, वो आप कम कर दीजिए। रोटी और चपाती की जगह आप सलाद जो है भर पेट करके खाइए, खीरा, ककड़ी, प्याज, इनसे पहले पेट भर लीजिए, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जो है एक आधी रोटी खा लीजिए। रोटी में भी आप जो है बेसन की रोटी खा सकते हो, मिक्स जो जौ की रोटी खा सकते हो, ऐसे एक एक अनाज मत खाइए, ठीक है। तो डाइट में तो वैसे आपको इतना ध्यान पड़ेगा, मीठी जो मीठे फल होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे फल है वो मत खाओ, सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फल है वो आप खा सकते हो। खट्टे फलों में जैसे आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज आप अच्छे से खा सकते हो, बनास्पति है खा सकते हो। बाकी जैसे ये एक जामुन आता है, जामुन बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए, आप जामुन थोड़े से जामुन जो है हर बार एक सीजनल आते हैं ये, तो जामुन खाया करो, ठीक है। और एक थोड़े सी क्या मेथी के दाने होते हैं वो रात को भिगो दो, भिगोने के बाद में आप सुबह उसको मेथी के दानों को चबा लो, और वो जो पानी होता है ना उसका, वो पानी भी आप साथ में पी लीजिए। मेथी के दाने और जो पानी है उनको भी आप लीजिए। अब मैं कुछ योगासन और प्राणायाम और बता रहा हूँ आपको, तो आप ये करोगे तो नियमित जो है आप अच्छे रहोगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये 1-2 महीने तक लगातार ये अभ्यास करते रहोगे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायबिटीज़ के जो लोग टैबलेट खा रहे हैं, कोई इंजेक्शन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, वो धीरे धीरे कम होकर के छूट जाएगा आपका। लेकिन दोस्तों हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे आप 5 या 10 मिनट डेली अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, यदि आप अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हो तभी आप रोगग्रस्त होते हो। मैं आज आपको पहले मैं कुछ आसन बता रहा हूँ। देखिए, पहले सूक्ष्म व्यायाम जो है ये आपने थोड़े से कर लिए, इसके बाद में आप वज्रासन पोजीशन में बैठ जाइए। वज्रासन पोजीशन बैठने के बाद ये दोनों अपने हाथ जो है मुट्ठियों से बंद कर लीजिए, मुट्ठी बना ली ऐसे आपने। मुट्ठी बनाने के बाद में पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए, ऐसे अंदर खींच लिया, और उसके बाद में दोनों जो मुट्ठी है, ये जो आपका जो न्यूक्लियस पार्ट है, जो नाभि है, उसके दोनों तरफ ये जो मुट्ठी ऐसे रख दीजिए, और रख करके और ऐसे आगे की तरफ भी, पहले जैसे आपने सांस ले लिया, डीप ब्रीथिंग कर ली, फिर आपने क्या किया, बिल्कुल पेट को अंदर की तरफ ले लिए, अंदर की तरफ लेकर के और मुट्ठियां दोनों ऐसे से पेट को दबा दिया और आगे की तरफ झुक गए। यहाँ पर आप सांस छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और पेट को, पेट आपका अंदर तो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर होगा, इसको मंडुकासन बोलते हैं दोस्तों।
इससे आपका पैंक्रियाज जो होगा एक्टिव होगा, बीटा सेल आपकी जो एक्टिव होगी, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जैसे ऐसे करोगे ना तो आपको एक तो पसीना आने लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसका पसीना आ रहा है, इसका आप सही कर रहे हो। दूसरा, इसका दूसरा अभ्यास क्या होता है कि जैसे आपने दोनों हाथ आपने ऐसे ले लिए, पेट को अंदर की तरफ किया और जो नाभि होती है नाभि को ऐसे दोनों हाथों से दबा करके और फिर आप आगे की तरफ झुक जाइए ऐसे। इस तरह से ये अभ्यास आप एक मिनट से स्टार्ट करके पांच मिनट, दस दस मिनट और आप बार बार रिपीट करते रहो, एक बार कर लो, दूसरी बार कर लो, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट जल्दी आएगा, ठीक है। ये आपका मंडुकासन। फिर एक होता है शशकासन। शशकासन में आप ऐसे नीचे की तरफ लेट गए, उसके बाद में वज्रासन करने के बाद में आप ऐसे योग मुद्रा में बैठ जाइए। अब ये अगला अभ्यास आपका योग मुद्रा है। योग मुद्रा जैसे आपने इस तरह से बैठे आप, उसके बाद में पेट अंदर किया, फिर वापिस आपने ऐसे नाभि के दम आप जो है दूसरे को रख के और फिर नीचे की तरफ लिया। कहते हैं योग मुद्रासन। इसके बाद में एक बार गोमुखासन। गोमुखासन में आपको क्या करना है, जितना कर सको उतना इसी पोजीशन बैठ जाओगे तो ही फायदा होगा आपको। इसी तरह से आपका दूसरी साइड का ये दोस्तों दो तीन अभ्यास आप नियमित करते हो तो साथ प्राणायाम में मैं आपको बताऊं कपाल भाती जैसे आप 10-10-20-20 के स्ट्रोक है ना तीन चार बार लगा लेते ऐसे, आपको प्राणायाम भी बताया, कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, ठीक है, कपाल भाती से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है आपको। प्राणायाम में भी कपाल भाती करो तो उससे डायबिटीज में बहुत जल्दी बेनिफिट होता है। देखो मैंने आपको मंडुकासन बताया, मंडुकासन दो तीन अभ्यास बताए, एक दोनों साइडों में एक सेंटर वाले पॉइंट को दबाना, एक योग मुद्रासन, एक गोमुखासन और प्लस साथ में आपको बताया कपाल भाती। ये करोगे तो मैं निश्चित तौर से आपको कह सकता हूँ कि डायबिटीज धीरे धीरे आपकी क्या है खत्म हो जाएगी। हर आदमी का एक लाइफस्टाइल अलग तरीके का हो रहा है आज, आप अपने शरीर को टाइम निकालिए और जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, वैसे हर एक बार मैं हर एक नया वीडियो डाल रहा हूँ आपकी ऑन डिमांडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिखिए कि मेरे को किस वीडियो की ज़रूरत है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथ में आप, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ आपसे, ताकि स्वास्थ्य का सभी को लाभ दे पाऊँ। ओके, थैंक यू।